बोले भैया ये क्या चीज है? तो कृष्ण क्यों आए? जब उनको द्वापर युग का लीला समाप्त हो गया, जब कृष्णा ये वृंदावन छोड़कर गोलोक वृंदावन में गए, एक दिन कृष्ण निकुंज में बैठ बैठ कर सोच रहे थे, बोले मेरे मन में इतने सारी इच्छाएं अभिलाषा थी, मैंने सारी इच्छा को मैंने पूरी, सारी इच्छा को मैंने पूरी की है, मैं भगवान होकर भी सत्ता को जुड़ जाए। लेकिन सत्य राज को मैंने आस्वादन किया, विश्व ब्रह्मांड सब कंधे पर मैं चढ़ता हूँ, लेकिन मेरे सत्ता को मेरे कंधे पर चढ़े। श्री राम कवि कृष्ण को पछाड़ देता था, बोले कन्हैया तुम्हार ये बड़ा गलत, और कृष्ण श्री राम कंधे पर चढ़ जाते तब यहाँ घोड़े बन गए। इसलिए भगवान कृष्ण भगवान और कभी भी वो घोड़े बन गए, और श्री राम को कंधे पर बैठ किया, और सखाम को झुगल खाए भगवान। कृष्ण भगवान और कभी भी विश्व ब्रह्मांड में भगवान माया तथा सबको बांध कर रखते हैं, लेकिन ब्रज में जहाँ पर मैया यशोदा कन्हैया को उदू कर बांध देते हैं, सारा दुनिया का कान को पकड़ करके भगवान उठाते हैं बैठाते हैं, लेकिन ब्रज में उलता है, ये मैया कन्हैया कान पकड़ती है, लेकिन लेकिन मिट्टी क्यों खाए है, मिट्टी तुमने क्यों खाए? लेकिन कृष्ण डर से, जैसे बच्चे झूठ बोल देते हैं, मैया की डर से मैया का हाथ में लग गया है, एक हाथ में लग गया, बोल तुमने मिट्टी खाई कि नहीं? विश्व ब्रह्मांड का डर से हम सरसर कांपते हैं, काल भी उसका डर से कांपते हैं, लेकिन आज भगवान मैया को डर से कांप रहे थे, हाथ में लग गया। अगर मैं सच बोल दिया मिट्टी खाया तो एक लड़िया नीचे नहीं सब लोगों के लिए, जैसे स्वाभाविक रूप में छोटा बच्चा मैया की डर से झूठ बोल देता है, कोई गलत काम करते भी झूठ बोल देता है, यहाँ पर कृष्ण भी मैया से बचने के लिए डंडे से यहाँ पर झूठ बोल देते हैं, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, इसलिए मैया मरी मैं नहीं मार नहीं खाए, ये भगवान झूठ बोलते हैं, बोल क्यों? जो मैया डर से, इसलिए विश्व ब्रह्मांड जिनको कान पकड़ता है मैया उसको कान पकड़ती है, इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं मैंने ये बात सर रस को आस्वादन किया है, और जो मधुर रस है भगवान सब जगह में भी ध्यान करता है, भगवान का बहुत बड़ा डिबेट होना था, बोले क्या है? बोले जिन जथा माँ प्रबदन थे काम सदैव बाजार में, मेरे को जो इतना भजन करता है मैं ठीक उसी के अनुरूप मैं उसको फल भी देता हूँ, भगवान का की एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा लिखता हूँ, लेकिन वो प्रतिज्ञा भगवान वृंदावन में प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे एक पहलवान सब जगह जगह दी जाकर कोई आओ तो मेरे साथ दो हाथ कर, लेकिन जहाँ एक से कहीं सभा जरूर नहीं जाते, सब जगह में वो पहलवान सब जाकर दी जाते, यदि ऐसे एक जगह पर पहुंचा जहां पर सभा जरूर देती, उसने क्या किया? वो लड़ाई से पहले केवल उसको हाथ में हाथ पकड़ा, पंजा में पंजा पर एक एक झटका मारे, एक झटका लगा नीचे दिया को नीचे गिरा दिया, वो व्यक्ति का क्या बोलता है? भैया कृपा नहीं पाऊंगा, नपारण कृपा नहीं पाऊंगा, कृष्णा सब जगह दीना कोई आओ तो मेरे साथ युद्ध कर, मतलब जो जितना मेरे भक्ति करता है मैं भी उतना ठीक उसको उतना ही माफ करके दे देता हूँ, लेकिन जहाँ एक से कई सभा से मिल जाते सभा से काम नहीं ले, ब्रज में ब्रज में जो भक्त हैं वो सभा करके भक्त हैं, तो ऐसे भक्त हैं वृंदावन की गोपियां जब रात कर रहे थे, रात करते करते कृष्ण गोपियों को कहते हैं बोले ना पारे अहम निर्भद समझा, हाँ ये सभा से मिले गोपियां एक हाथ पकड़े और एक झटका मारी, कन्हैया को नीचे गिरा दिया, कन्हैया को न पा रहे तुम लोग पार नहीं पाऊंगा, मैं सब जगह में पार पा जा रहा, लेकिन तुम लोगों के पास में
पार नहीं पाऊंगा क्योंकि तू सब सवाल कह रहे हो, इधर तुम सब सवाल कह रहे हो। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं मैंने ब्रज में आकर के सारे रस को मैंने आस्वादन की, विश्व ब्रह्मांड सप्त चरण में देखते हैं कृष्ण, गोपी और राधाएं इस चरण में देखते हैं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं कहां पर गोलोक वृंदावन, ये इच्छा तो मैंने, कृष्ण सोच रहे हैं ये सारे रस को मैंने आस्वादन की, लेकिन एक चीज जो नहीं समझ पाया वो राधा जी की प्रेम की महिमा किया। हाँ, राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, राधा रानी मेरी भक्ति को प्रेम को वो कैसे आस्वादन करती है, मेरे अंदर में क्या माधुर्य है। कहते जो जो इच्छा कृष्ण गोलोक वृंदावन में कहते पूरी नहीं कर पाते हैं, कभी वो इच्छा तो महाप्रभु कहां बैठ करके पूरी किया, कभी ये पूरी नहीं ये पूरी करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 18 साल वहीं पर महाप्रभु वहीं पर गए, और जितने महाप्रभु का भक्त हैं कहते राय रामानंद दिशा का सती है वो कहां पर जाती है, बोले पुरी में। कहते श्री स्वर्गदास मंदिर जाकर कहां रहते हैं, बोलिए पुरी में। कहते उनको महाप्रभु का जो 3.5 जन है अंतरंग भक्तों में महाप्रभु के 3.5 जन है, जब इस 3.5 जन में जो 2.5 भक्त है ये पुरी में जन्म है, पुरी में सबसे सब जन्म सिक्की मारती और माधवी आधा और फिर आगामी ये सबसे सब पुरी में ही जन्म लिए। इसलिए दिखाई पड़ता है जो जगन्नाथ पुरी क्षेत्र में यदि जो प्रभुपाद का जन्म लिए, यदि प्रभुपाद कौन है, प्रभुपाद राधारानी की ये नयन मणि मंदिर है, प्रभुपाद की कोई साधारण व्यक्ति नहीं। नयन मणि मंदिर मतलब क्या है, नयन मतलब आंख है, मणि मतलब उसका अंदर में जो पुतला है, कहते राधारानी का जो आंखों में जो पुतला किया प्रभुपाद ने, मतलब हम कहते हैं ना मुनिन्द्र बिंद गंदिते त्रिलोक सोपहारे प्रसन्न भक्त पंकजे त्रिकोज हो विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते सदा करी सदीयमं कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी विदान मंडप स्थिते प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुणृकोमले वयामय पुरंदरे प्रभूत संपदालये सदा परिषदि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कहते राधारानी तुम कब मेरे ऊपर में कृपा कटाक्ष भाजनम, इसका मतलब इसको कौन बोल रहे हैं, यदि कन्हैया बोल रहे हैं राधारानी, ये कृष्ण बोल रहे हैं राधे तब मैं तुम्हारी कृपा कटाक्षता में उपयुक्त बनू, तुम्हारी कृपा मेरे ऊपर में कब होगी। इसलिए कहते हैं राधारानी की ये कृपा कटाक्ष स्तोत्र है, इसका मतलब यदि जो प्रभुपाद है यदि ये क्या है कृपा कटाक्ष भाजनम, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए श्याम सुंदर भी ललचते हैं वो जो कृपा कटाक्ष कौन है, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। तभी तो उन्होंने ये विश्व में इतने प्रचार जो उन्होंने की है, इसलिए आपको परम गुरुदेव कहते हैं अभी तक जितने आचार्य आए हैं कहते सारे आचार्य का जो अवदान, आचार्य का जो वैशिष्टता, आचार्य का जो भजन जो कुछ एक तरफ में धर दो, कहते प्रभुपाद का जो देह उनका जो वैशिष्ट उनका जो भजन उनका जो दान एक तरफ में रख दो तो पल्ले में भोजन कर दे तो कहते प्रभुपाद का जो कल्ला है ज्यादा भोजन मिलेगा, प्रभुपाद का जो देह है वो ज्यादा उसका भोजन मिलेगा। तो उन्होंने कितने बड़ी बात बताया, अभी तो जितने आचार्य आए सबसे एक तरफ में प्रभुपाद का एक तरफ में, ये कोई साधारण बात नहीं है। कहते कारण क्या है, बड़े कारण है ये श्री कृपा कटाक्ष भाजनम, श्रीमती राधा रानी की ये कृपा है साक्षात स्वरूप में
बता राजा ने साथ में ये बराबर कर सकते कि आचार्य थे। इसलिए मैं भी पहले सोचता था इतने बड़े बात कैसे बोल दिया आपका कर्म गुरु ने, ये कैसे संभव हो सकता है, ये संभव कैसे कि सचमुच से ये जो प्रभुपाद हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। तब तो संपूर्ण पृथ्वी में अब महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी के व्यक्ति सब के सब सुखी होकर के मेरे नाम को गुणगान करेंगे। और काले गोरे भक्तिविनोद ठाकुर कहते काले और गोरे, एक दिन ऐसे आएगा सबके सब दोनों मिलकर के ब्रह्मकारी गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निकारी गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए इसको रूपाद का सार्थक किया। इसलिए ये प्रभुपाद को भी देखने को मिलता नहीं, वो भी कहां पर जन्म ले गए, कोई भी जन्म ले, ये सबके सब कोई भी जन्म लेते हैं, महाप्रभु ही महाप्रभु का परिकर वो सबके सब कोई भी जन्म लिया है। इसलिए वो स्थान का नाम है बहुत नाम है, उसका एक नाम है श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, क्षेत्र मतलब जो राधा रानी की स्थान है, जहाँ संपूर्ण राधा रानी का प्रेम को द्वारा जो संपूर्ण जो प्लावित जो स्थान थी पूरी है, उसका नाम पूरी। जो कौन सा पुत्र पूरी खाते हैं, पूरी खाते हैं कैसे करते, उसका नाम पूरी है। बोले पूरी का मतलब क्या है, हाँ कहते पूरी का मतलब होता है, कहते पूरी का मतलब होता है पूर्व, पूर्व मतलब ज्ञान रहना, जैसे द्वारका पूरी, अयोध्या पूरी, मायापुरी, सब पूरी पूरी, पूरी मतलब होता है पूर्व मतलब जहाँ भगवान रहते ही, जहाँ भगवान का निवास धाम, ठाकुर जी जहाँ नित्य निवास करते हैं, इसलिए उसका नाम पूरी। और उसका नाम संत कहते हैं, संत कहते का मतलब होता है जैसे हम लोग संत हो जाते हैं। आप जब जगन्नाथपुरी में जाना, अब देखना वहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया है, अब देखना ठीक इस तरफ में एक बहुत बड़ा बोर्ड है, उसमें पूरी जगन्नाथपुरी का जो मानचित्र को अंकन किया, देखना जैसे संत बजा रहे ठीक संत जैसे ये पूरी का आकृति है, पूरा संत, ये संत है ये मंगलवार की हम संत बजाते ना जय गुरु का मंगलवार की पूरी का पूरा मानचित्र संत जैसे है। कहते पूरी का एक नाम है नीलाग्नि बिहारी नीलाचल, कहते नीलाचल मतलब नील मतलब नील, और अचल मतलब होता है जो स्थिर रूप में जगन्नाथ का पूरा जो पर्वत है पूरा नील पर्वत के ऊपर में, जहाँ पर ये कहा सुंदी बैठ करके अक्षर बैठे के ऊपर में जहाँ भगवान की कथा सुनाते हैं, जहाँ पर शंकर ब्रह्मा सबके सब आकर के जहाँ पर ठाकुर जी की कथा श्रवण करते हैं, इसलिए इसका नाम थी पुरुषोत्तम क्षेत्र। इसलिए अधिक महीना अगली बार अधिक महीना आएगा, अधिक महीना आएगा जगन्नाथ जी का शरीर बदलेगा, कलेवर बदलेगा, इसलिए हर साल 13 साल के बाद में बदलता, इस बार 19 साल के बाद में बदलेगा। अगली बार जो जगन्नाथ रथ यात्रा होगी वो विशेष है, 19 साल के बाद में एक बार बदलेगा, उसका विशेष महत्व है, इसलिए अभी से तैयार रहना। अगली बार जगन्नाथ पूरी रथ यात्रा में जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए जाने के लिए, जगन्नाथ दर्शन का विशेष महत्व है। पुराण में बताया रथी पावन दृष्टवा पुनर्जन्म न दृष्टि, जो एक बार रथ के ऊपर में श्री जगन्नाथ को दर्शन कर ले तो दो बार को जन्म नहीं लेता। इतने प्रभाव है जगन्नाथ जब रथ के ऊपर बैठते हैं, बोले भैया इतने खुश क्यों, उसका इतना फल क्यों है, बोले जगन्नाथ जी अभी द्वारका से वृंदावन में जा रहे हैं, वो अपना वृंदावन से राधा से गोपियों से बाबा से सखा से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए बड़े खुश हैं। हम जगन्नाथ पूरी देंगे, जब जगन्नाथ का रथ यात्रा होती थी अगर जो स्त्री गर्भवती होती थी उनको मना करके घर के मैया, जगन्नाथ को देखने में
बोले अभी रथ को ऊपर देखने मत जा। बोले क्यों? बोले जगन्नाथ के रथ को ऊपर होते हैं इतने उनकी कृपा दृष्टि, उनकी इतने कृपा है, जितने दूर तक जगन्नाथ के दर्शन करते हैं सबको ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप कभी रथ यात्रा में जाना, हम जब ठाकुर जी को भोग के लगाते हैं अंदर में रख करके दरवाजा सील बंद कर करके मंत्र पढ़ करके आसन पात्र आचमन दे करके हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। अब जगन्नाथ को लेना ऐसे जय जगन्नाथ जितने दूर तक रथ दिख रहा है भले ठाकुर नहीं दिखे पीछे आगे कहीं बात जितने दूर तक झंडा तक दिखेगा जय जगन्नाथ ले ले। और जगन्नाथ जी चार रथ दिख रहा है वही से जगन्नाथ जी लेते ही ठाकुर जी ग्रहण कर लेते, ठाकुर जी ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए जगन्नाथ जो रथ के ऊपर होते हैं उनकी इतनी कृपा दृष्टि माताएं क्या करती थी जो स्त्रियां गर्भ होती रथ के रक्षा करना ना करती। बोले क्यों? जो तुम्हारे पेट में जो बच्चा का हाथ बड़ी बड़ी हो कि जगन्नाथ के हाथ इतने बड़े बड़े हाथ है ना हार हार के जगन्नाथ जी देख रहे हैं। इसलिए मतलब इतने प्रभाव उनको रहता है जो स्त्री गर्भिणी स्त्री को दर्शन करने जाएगी उसको पेट में जो बच्चा है उसको ऊपर जो जगन्नाथ का प्रभाव रहता है वो बच्चा का हाथ में बड़ी बड़ी होता है मत जाएगा दर्शन करने। इसलिए कितने जगन्नाथ की महिमा वहां पर जब रथ को कर्म होते हैं और रथ को कर्म देखने का विशेष विशेष महत्व होता है क्योंकि जगन्नाथ जी वृंदावन जा रहे हैं अपना ब्रजवासियों से मिलने के लिए। इसलिए हम दिखाई पड़ते हैं जो जगन्नाथपुरी इसलिए ये कोई जगन्नाथपुरी कोई साधारण स्थान नहीं जहाँ पर महाप्रभु प्रभुपाद महाप्रभु के गर्व। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं किसी स्थान की महिमा को समझना तो तीन चीज को अगर हम समझ सकते हैं बोले स्थान काल और पात्र। कहते स्थान क्या है बोले श्रीकृत है बोले काल क्या है बोले कलयुग में एक कलयुग में विशेष करके जगन्नाथ जी जो स्वरूप धारण किया है बोले पात्र। कहते राधाचंद्र को हम इतना श्रेष्ठ क्यों बता दें कारण किया है बोले कारण है जहाँ पर राधा कृष्ण के निस्वंत के रूप में जहाँ पर लीला होती थी जहाँ पर राधा नारायण केवल निजन महाराज केवल राधा नारायण की इसलिए कहते पूरी का पहले का महिमा था। लेकिन जब श्रीमद महाप्रभु वहां पर आए महाप्रभु जो 18 साल तक रहे फिर जहाँ पर ललिता गीता का स्वरूप दानंद रायानंद रूपो स्वामी सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो स्थान में आए थे भक्ति की तब वो स्थान की और विशेष विशेष महत्व वो स्थान की बढ़ गई है। इसलिए फिर जगन्नाथ फिर महाप्रभु जी रोज जगन्नाथ जी को दर्शन के लिए जाते रोज मंगलारती में रोज जाते थे महाप्रभु। तो फिर यहाँ प्रश्न होता है महाप्रभु कौन है बोले महाप्रभु कृष्ण ही अभी राधा जी की भाव और अंधकार को लेकर के आएंगे। जब ये राधा जी का भाव अंधकार को लेकर के आए और जगन्नाथपुरी को स्थान को द्वारका मान गई वो लक्ष्मी को साथ ही जगन्नाथ जी रहते हैं उसको द्वारका पुरी मान गई। फिर महाप्रभु रोज रोज जाकर दर्शन करते हैं रोज रोज जाकर जगन्नाथ जी दर्शन करते हैं। फिर महाप्रभु ये जगन्नाथ को रोज क्यों दर्शन करते थे? इसलिए महाप्रभु का जो जगन्नाथ जी का जो अष्टक है वो अष्टक का जो पहला श्लोक है बोले कदा अतिथि काल निकट विघ्ना संगीत तरल मुदा नारी बदन कमल आस्वादन रूप रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। श्रीमान महाप्रभु कह रहे हैं ये कौन है बोले कदाचित काल की तरह विभिन्न संगीत ये कभी कभी क्या कहते थे काल की मतलब जमुना जब कृष्णा उनको कृष्ण करिए जब जमुना किनारा में भ्रमण करते थे उदाहरण दिया गोपियों का जो हार बिंद है ये कमल है एक सुंदर कमल पुष्प जैसे बोले कृष्ण का नेत्र जैसे भव जैसे जब भ्रमर कमल पुष्पों के ऊपर बैठ करके उसका मधुओं का आस्वादन करते हैं
उसी तरह श्री जगन्नाथ जी गोपियों की राधा रानी की कमल रूपी मुखार बिंदु के ऊपर बैठे गए थे, जिनके प्रेम मधुओं को जो आस्वादन करते थे, इसके गुजर भेरू सिखे सिखी पूछा महागुरु कह रहे हैं जिनका हाथ में बंसुरी है सिर पर मर पंथ है, लेकिन द्वारका में तो उनका हाथ में बंसुरी रहता है, ये मर पंथ रहता है। इसलिए गोपियां कभी कभी कहते ना तेरे से हमारा क्या मतलब है, तेरे अंदर में कोई ब्रज तक की नहीं है, तू तो सारी रूपी बदला दिया, ब्रज का कोई चिन्ह नहीं तेरे अंदर, तेरी बंसुरी कहाँ है, तब तक आप उनको मानेंगे बंसुरी रहेगा मयूरपंथ रहेगा तुम्हारी भी ब्रज है। लेकिन जब जगन्नाथ पुरी पर होते हैं महाप्रभु कह रहे हैं मयूरपंथ है बंसुरी है उनका हाथ में, इसलिए महाप्रभु रोज दर्शन करने के लिए जाया करते थे। तब हमारे श्री गौरव महाराज कहते हैं श्री जगन्नाथ विशेष महत्व को बताते हैं, कहते महाप्रभु कौन है, ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, हाँ? ये कृष्ण है, ये राधा जी का भाव और अंकांति को लेकर के ये महाप्रभु आ रहे हैं। इसलिए आप देखना महाप्रभु हर समय क्या बोलते हैं, कृष्ण के सर्व कृष्ण के सर्व कृष्ण के सर्व पारिणाम राम राघव राम राघव राम राघव, ये हर समय क्योंकि कृष्ण राधा जी भाव अंकांति लेकर के आए, वो हर समय किसको ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, वो कृष्ण को, जो कृष्ण राधा जी आपको लेकर क्या है वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं हर समय, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मुरली भद्र, कहाँ जाने पर वो कृष्ण मुरली भद्र कन्या कब हम मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे वृंदावन, इस उन्माद में महाप्रभु आ गए, किसको ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कृष्ण। लेकिन ये जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है ये स्वरूप क्या है, कहते वो कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, राधा विधुरा होकर बोले कृष्ण महाप्रभु कृष्ण विधुरा कृष्ण विरह में और जगन्नाथ की राधा विधा बोले इनका रूप क्यों हुआ कि जगन्नाथ जी के ऐसे रूप कृष्ण जी का है, क्योंकि इतने बड़े बड़े आप उनकी ये हाथ अंदर में चला गया, क्यों चला गया, प्यार क्यों चला गया, कारण क्या है, जिसको हमारे गुरुदेव जिसको हमारे महाराज जी बृहद पार्वतामृत और रथ यात्रा प्रसंग में कहते हैं, जब द्वारका में रहते समय जिस समय ये महिषियों ने कृष्ण का रस सुनने के लिए मैंने बताए, बोले क्या बात है, ये कृष्ण रहते हैं हमारा साथ में, तीन रात हमारे साथ में रहते हैं, और हम लोग एक एक राजकुमारी में साधारण घर में नहीं, हम एक राजकुमारी सारे विद्या एक्सपर्ट ने एक्सपर्ट है, और हम 16108 पटरानियां जी जान लगा करके कृष्ण को प्रसन्न करने चाहते हैं, खुश करने चाहते हैं, लेकिन उनको खुश नहीं कर पाते हैं, वो सोते हैं हमारा बात मेरा आपको, लेकिन रोते हैं वृंदावन के लिए, सोते हैं हमारा बात में और रोते हैं किसी लिए वृंदावन के लिए, सोते समय कभी ललित कभी कालिंदी और कभी रुक्मणी सत्तर मामा का साड़ी को कहते हुए कभी कहते हैं हे ललित तुम कहाँ हो, हे राधे तुम कहाँ हो, हे श्यामली हे धवली, हैं वो रोते हैं ब्रजवासियों का नाम लेकर के, वो सोचते हैं हमारा पास भी याद करते और उसको बोले भैया ये ग्वाल लेना क्या जादू ना कर दिया, ये गाँव में रहने वाली दर्दी बिलोने वाली क्या जादू का कन्या कर दिया, ये हमारे पास में रहते हुए हमारा डिजाइन ही करते हैं और उसको याद कर रहे हैं। तब उन लोगों ने ये ब्रज की कथा सुनने के लिए उन्होंने रोहिणी माता को बोले, जब रोहिणी ने पूरा ब्रज की कथा सुनाई, उस ब्रज की कथा सुनते 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 ये गोपियों की राधा रानी के प्रेम की कथा सुनते सुनते कृष्ण जी द्रवीभूत हो गए हैं, मतलब जो जगन्नाथ हैं ओ इसको ढूंढ रहे हैं, किसके लिए प्रेम में द्रवीभूत हो गए, वो ब्रज की कथा सुनकर के प्रेम की कथा सुनकर के, जिसे गौरव महाराज कहते हैं कि जगन्नाथ का स्वरूप जो जानते हैं, इसलिए तभी तो महाप्रभु जाते हैं रोज की मंगलारति में, महाप्रभु जो राधा बाबा को लेकर जाए जगन्नाथ जी रोज दर्शन करते हैं और वहीं ऊपर जाकर के रहे और दीर्घ रात जगन्नाथ जगन्नाथ दर्शन करते, कारण है महाप्रभु किसी चीज के लिए महाप्रभु आए हैं,
हाँ, राधा की महिमा को आस्वादन करने के लिए उन्होंने देखा कि जगन्नाथ उसी उसी बहादुर से जगन्नाथ मिले। इसलिए महाप्रभु ये रोज वहां पर जाकर के श्री जगन्नाथ को दर्शन करते थे। इसलिए सारे भक्त नवद्वीप के जगन्नाथपुरी और वृंदावन के सारे भक्त पहले एक जगन्नाथ का फिर अपना सबके सब सम्मिलित होते हैं। आप अभी भी जाकर देखना, आप अभी जाकर देखना केवल एक रथ यात्रा है जहां सब दर्शन हुए, सारे गौरी वैष्णव सब नवद्वीप वृंदावन और श्री जगन्नाथपुरी सबके सब कीर्तन करते हुए जगन्नाथ के सामने महाप्रभु जैसे सात दल महाप्रभु अपना भक्तों को साथ पार्टी में महाप्रभु जी क्या करते थे कीर्तन करते थे। अभी जाकर कितने पार्टी हो जितने गौरी मठ है इसको कोई दो तीन पार्टी केवल गौरी मठ नहीं महाप्रभु का समय तो केवल महाप्रभु के भक्त लोग हो। आप अभी जाकर देखना रथयात्रा में बैठो कौन गए रथयात्रा महाप्रभा तो कौन कौन गए कौन कौन गए एक तो गोभी बेहर में गए। इसलिए आप जाकर देखना जिसने जितने सारे संप्रदाय में ये रामानुज रामानंदी ये जितने जितने और जितने अपने संप्रदाय में आप देखना सारे संप्रदाय का लोग को देखोगे जगन्नाथ जी के सामने सबके सब जय जगन्नाथ बोल करके प्रति जगन्नाथ महाप्रभु की प्रति बलदे प्रभु की प्रति सुभद्रा देवी की प्रति सुदर्शन चक्र की सबके सब देखोगे एक साथ में कितने महापुरुष सबको हाँ श्री जगन्नाथ जी सबको उन्होंने अपना लिया है। सबके सब श्री जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कीर्तन करते हैं। इसलिए श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा की विशेष विशेष महत्व है। इसलिए हमारे महाराज जी पूरा उन्होंने एक ग्रंथ निकाला। मैं जब पहले बार मथुरा में आया मैं पूरी में रहता था हमारा घर पूरी मंदिर पूरी है जब मैं पूरी में रहता था जब मैं पूरी छोड़ करके मथुरा में आया मैंने देखा हरि कथा की कितने महत्व है। बोलता जय खान वैष्णव पर जय खान वृंदावन जहाँ वैष्णव लोग उन पर वृंदावन है। मैं पहला जब वृंदावन मथुरा में आया पूरी छोड़ करके जगन्नाथ का रथ खींचता था रथ यात्रा में। लेकिन जब मैं मथुरा में आया गुरु जी से मैंने रथ यात्रा के प्रसंग सुने गुरु जी ने कई करीब 15 दिन तक जो ग्रंथ आप देख रहे हो रथ यात्रा जो सीक्रेट ऑफ रथ यात्रा उसमें जो गुरु जी ने निकाले गुरुदेव उसी समय जो क्लास किया था उसको किसने रिकॉर्डिंग करके रखा उसको उन्होंने ग्रंथ रूप में प्रकाशित किए। मैंने देखा महाराज जी 15 दिन तक रथ यात्रा के प्रसंग से बोली 15 दिन मैंने कभी इतना गहन से कोई सुना ही नहीं। सचमुच रथ यात्रा क्या है क्यों महाप्रभु रथ को किसी भाव से ले जाते हैं ये सारे कौड़िये वैष्णव क्यों आते हैं मेरे को इतना पता नहीं था। मैं तो महाराज जी बैठगी युगल गीत भ्रमर गीत ये जितने सारे गीत ने महाराज जी ये रथ यात्रा दर्शन में सारे गीत का श्लोक बोल रहे थे सारे भागवत को उतार दिया महाप्रभु किसी भाव से रथ यात्रा करते थे। मैं तो सुन सुन करके ध्यान रह गया। उसी समय मेरे को ये पूर्ण रूप में अनुभूति हुआ शास्त्र क्यों कहता है जिसने वैष्णव लाल सही स्थान है वृंदावन जहाँ पर वैष्णव लोग हैं जहाँ हरि कथा है वही वृंदावन है। मैंने देखा कि साक्षात पूरी में रहता था रथ को हर साल खेलता था हर रथ यात्रा में दर्शन करता था लेकिन मेरे को पता नहीं था रथ यात्रा क्या है महाप्रभु किसी भाव से मेरे को पूर्ण रूप में अनुभूति हुआ सचमुच से वैष्णव का संग भी इतने महत्व है। वैष्णव का संग ये हरि कथा की कितना महत्व है इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जय खान हरि कथा से जहाँ पर ये हरि कथा है ये कथा के गंगा में हम जब स्नान करते हैं पहले सर्पा ने तीर्थान वसन सबसे बैठे बैठे सारे तीर्थ में स्नान कर लिया कृष्ण कथा रूपी गंगा में स्नान कर लिया तो समझे सारे तीर्थ में ला लिया। इसलिए जो मेन है
ये गुरु वैष्णव का संग्रह है, रसी के भक्तों का संग्रह ही ये मेन वस्तु है। तो पूर्ण रूप में अनुभूति हुई। 15 दिन तक तो गुरु जी के मुंह से हमने प्रसंग सुनाया है, तो सुन सुन कर जब ध्यान रह लिया, हे भगवान कभी मैंने इस कथा कभी सुनी नहीं, इतने प्यारी जगतकार की कथा। इसलिए जो मूल है इसकी भक्तों का संग्रह ही मूल है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे श्री महाप्रभु अपना परिक्रम को लेकर के कैसे ये रथ यात्रा को पालन करते थे, किस रूप में अभी जगन्नाथ जी रथ यात्रा आ रहे हैं। अगर हम आपकी कथा को सुन कर आप समझिएगा हमारी पूरी रथ यात्रा नहीं करोगे। पूरा रथ यात्रा हमने यही बैठ बैठ कर जगन्नाथ जी रथ यात्रा हमने रथ भी खेच लिया, जगन्नाथ जी कथा का बड़ा दर्शन ही सही दर्शन, कथा का बड़ा जो दर्शन ये पूर्ण दर्शन है। हम कोशिश करेंगे 4-5 दिन तक पूरी जगन्नाथ जी की महिमा को सुन लेंगे, कैसे प्रकट हुए, कहाँ से प्रकट हुए, किस भाव से रथ खेचते थे, महापुरुष कैसे ये गुंडीचा मंदिर मार्ग में किया हाँ 5 मिनट 10 मिनट। इसलिए कहिए रथ यात्रा से पहले महाप्रभु का सारे भक्त बंगाल से आते थे। जब वो बंगाल से आते थे, अभी जैसे ट्रेन बस है उसमें कुछ नहीं था, महीना महीना तक वो चल चल करके आते थे। लेकिन यहाँ पर ट्रेन की बात सिखा देते हैं, अब चैतन्य चैतन्य भागवत पढ़ो, महाप्रभु को जो जो चीज प्यारा था वहां के भक्त लोग वो चीज को अपना सिर पर रख करके महीना महीना तक चल चल करके आते थे। महाप्रभु पहला प्यारा था, महाप्रभु को जगन्नाथ धाम, महाप्रभु जी को जो केला का फूल पर प्रेम से आते थे, महाप्रभु जी ये चीज बहुत प्यारा था, उसको सिर पर रख करके धो धो करके लाते थे। देखो प्रेम क्या चीज है। जो भक्त जैसे हम कोई चीज ले जाते हैं, जब चीज ले जाते हैं हम क्या सोचते हैं, ये चीज गुरु जी को प्यारा है, ये चीज वैष्णव को प्यारा है। जब वैष्णव लोग गुरु जी स्वीकार करेंगे खुश हो जाएंगे, और खुश होंगे अगर कोई चीज उनको कोई चीज अगर उनको देते रहेंगे कहते खुश हो गए। और जो हम साधारण गुरु साधारण गुरु वैष्णव के लिए कोई चीज लेकर के जाते हैं, जब देते हैं तब प्रसन्न होते हैं, हम देखकर कितना खुश होता है, कितने प्रसन्न होते हैं, गुरु जी हमारी ये चीज को वैष्णव ने ग्रहण किया है। जहां महाप्रभु के लिए महीना महीना तक वो सिर पर जो चीज वो ला रहे हैं, समझो वे चीज में कितने प्रेम होगा, कितने प्रेम होगा जिसको महीना महीना तक सोच सोच करके महाप्रभु को प्यारा है, महाप्रभु बहुत उसको पसंद करते हैं, महीना महीना तक सीट पर ले आते। क्या पुरी में कोई चीज खरीदने में नहीं मिलता है? कहते पुरी में वो वस्तु क्या मिलता नहीं पुरी में, फिर इतना दूर से क्यों लाते हैं? ये कारण ही भगवान प्रेम के वस्तुओं का ठाकुर जी है। आप चीज को कितने भक्ति से दिया, क्या दिया ठाकुर जी नहीं कहते हैं, वो चीज को आप कितने भाव से दिया ठाकुर जी आपके भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए महीना महीना तुम भोग होकर लाते थे। इसलिए रथ से पहले वहां एक लीला होती है, अगर अगली बार जाओगे थोड़ा जल्दी देखोगे कहते राधे और झाली, और राधे और झाली एक कहते ये सब चीज महाप्रभु जी को कह दिया। इसलिए सारे भक्त लोग झाली को झोली में अलग अलग चीज को ला देते, क्योंकि यहां तक भी महाप्रभु शौच क्रिया के बाद में जब मिट्टी हाथ करते ना, हाथ जो मिट्टी में जैसे हम साबुन में धोते हैं उस समय मिट्टी में पवित्र है, महाप्रभु यदि वो मिट्टी लेकर जाता था बदला महीना महीना तक सिर पर रख करके चल चल करके महाप्रभु उसी मिट्टी से बड़े बुलाई में गंगा का रुकी उसको सुखा करके और कपड़े से उसको क्या बोलते कपड़े से उसको छान करके एकदम मुलायम हो जाते थे, उसको भी महाप्रभु के लिए लाते थे। लेकिन अभी बंगाल से कुछ कुछ भक्त जब आते हैं कुछ लेकर के आते हैं, तभी हरिदास ठाकुर का जो मंदिर
समाज मंदिर से भक्त लोग अभी भी रथ यात्रा से चढ़ जाते चिंतन करते 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 गंभीरा में ले जाते हैं, क्योंकि भक्त लोग महाप्रभु के लिए ले जाते थे। लेकिन अभी भी वो लीला जगन्नाथपुरी में हुआ करता है। और रथ यात्रा से एक दिन पहले जो गुंडीचा जो मंदिर है, जो गुंडीचा मंदिर हम बाद में सुनेंगे, उसका नाम गुंडीचा नाम क्यों पड़ा है ये कथा हम सुनेंगे कि गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ एक साल तक नहीं जाते थे। वो एक साल तक तो नौ दिन जगन्नाथ जाते हैं और एक साल तक वो स्थान बैठ पड़ा हुआ रहता है, सब मेला मेला हो जाता है। हर साल राजा अपना नौकरों को दे करके जगह साफ कराए। लेकिन जब श्रीमद महाप्रभु रथ यात्रा में आए, पहला बार रथ यात्रा में जब थे, महाप्रभु बोले मेरे प्रियतम, मेरे श्याम सुंदर, मेरे प्रभु गोविंद जिस सिंहासन में बैठेंगे, जिस मंदिर में आएंगे बैठेंगे, उसको नौकरों को जरा सफर। भगवान तक प्रेम के भूखे हैं, भगवान तक प्रेम के भूखे हैं, और वो स्थान के नौकर लोगों को पैसा दे देते साफ करेंगे, नहीं मैं स्वयं साफ करूंगा। महाप्रभु स्वयं, नित्यानंद प्रभु स्वयं, बलदेव प्रभु, अद्वैत आचार्य महाविष्णु, फिर महाप्रभु गदाधर पंडित राधा रानी, श्रीवास पंडित नारद जी, महाप्रभु स्वर्गदागर स्वयं ललिता शक्ति है, ये सबके सब महाप्रभु इन सबको लेकर के स्वयं मंदिर को साफ कर रहा है। और वो सेवा तो उन्होंने मांग कर लिया, कौन सा सेवा को बोले झाड़ू लगाने का सेवा को, सबसे जो निकृष्ट सेवा हम मानते हैं, सबसे घटाई सेवा स्वीपर का काम महाप्रभु जी सब काम करते हैं। यहाँ शिक्षा देते हैं ठाकुर जी को, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, ऐसे नहीं पैसा है एक मंदिर बना दिया एक नौकर को रख दिया पूजा करने के लिए, तो ठाकुर की सेवा नौकर से नहीं होता, उनका क्या नौकर को कम है, अनंत गुरु विश्व ब्रह्मांड में कितने सेवक उनको पीछे पीछे सेवा कर रहे हैं। आप ब्रज की गोपियों की कथा सुनो, ब्रज में तो जो मंजरियां और गोपियां, हमें कोई एक कृष्ण का सेवा मिल जाए, किसको अगर इतना मिल गया, कौन सा सेवा थोड़ी सी उस पर चयन करके लाने की, अहो भाग्य है राधा रानी के आदर से भी फूल तोड़ करके लाने के राधा रानी माला बना के गोपी को पहनाए, अगर इतना सेवा किसको मिल गया, सब्जी काटने का कृष्ण के लिए राधा रानी प्रसाद बनाएगी, ये सब्जी अमैया करना अहो भाग्य है, कितने सौभाग्य हमें ठाकुर की सब्जी काटने के लिए मिला जिसको राधा रानी कृष्ण के लिए सब्जी बनाएंगे, इसलिए रोसोई बनाना अहो भाग्य, एक राधा रानी की सेवा है, रोसोई बनाना राधा रानी की सेवा, कृष्ण सब तक खाना नहीं खाते हैं और राधा रानी के हाथ की खाना खाते हैं, बोले झाड़ू लगाने का सेवा, अरे अहो भाग्य झाड़ू लगाने का सेवा, कहते गोपियां जिस निकुंज में राधा गोपी से लीला करके गोपियां अपना केस से अपना केस से अपना बाल से उसको झाड़ू लगाती है, कृष्ण जिसमें विहार करेंगे वहां पर तो कोई एक सेवा किसको मिल जाए, अपना जीवन को धन्य मानते हैं ठाकुर जी एक सेवा मिल जाए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं साधन में कभी भी जहां सीखते पाए बेटा, जब साधन में जो चीज करो वही तुमको वही पर सेवा मिले बोलो वृंदावन में, इसलिए ये जो स्थान है ये प्रैक्टिस का स्थान है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये गौर्य मठ नहीं, प्रभुपाद कहते हैं बोले कि गौर्य मठ क्या, बोले राधा रानी का जो निकुंज है गोलो वृंदावन का, राधा रानी का जो निकुंज है वो निकुंज का यहाँ होता है प्रभुपाद जी कहते हैं। इसलिए वो निकुंज मंदिर में गोलो वृंदावन में जो जो काम हो रहा है बोले गौर्य मठ में मैं वही वही काम कर रहा हूँ, जैसे मंगल श्री गुरु गौर मंगल मुरारी मंगल श्री राधा कृष्ण योग जो गोपियां मंदिर क्या सदर सदर क्या करती है, नहा धो कर तिलक लगा करके आ करके राधा कृष्ण कुंज में सो रहे हैं, उनको आरती उतार देखो हम गौर मठ कोई उतर
हम भी क्या करते हैं, सवेरे सवेरे नहा धो करके हैं आकर के ठाकुर जी की हम मंगला आरती कर रहे हैं, राधाएं जापट जाएंगे, कृष्ण नंदगान चले जाएंगे। इसलिए वो जितने सारे लीला प्रभुपाद कहते हैं ये गौर मठ नहीं, ये निकुंज मंदिर राधा गोविंद कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर मैंने प्रकट किया निकुंज मंदिर को। इसलिए अगर यहाँ पर सही से ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर जो जितना बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगा उसको उतना जल्दी वहां पर नौकरी मिले। अगर ये ट्रेनिंग सेंटर फेल हो जाओगे फिर नौकरी मत मांगो, तुम्हें नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभुपाद ने जो जो नियम को प्रभुपाद ने दिया है ये गौरी मठनी में प्रभुपाद ने सभी कीर्तन तथा गोलोक वृंदावन में जैसे भगवान की कथा माधवता की कथा है सवेरे शाम को, जहाँ पर सिद्ध कट और बद कट ये दोनों जंगलार्जुन के विज्ञापन सवेरे और शाम को एक टाइम कृष्ण का वात्सल्य रस एक टाइम मधुर रस, वहां पर ये दोनों रस की कथा होती है। इसलिए हमारे गुरुदेव जी मठ सवेरे कथा और शाम कथा है। इसलिए ये गौरी मठ के लिए क्या है, राधारायण की निकुंज मंदिर है, यहाँ पर बढ़िया करके ट्रेनिंग मिलो, वहां ट्रेनिंग परफेक्ट होगा, जल्दी जल्दी नौकरी मांग ली जाएगी, फिर तो हम अपना सरकार के लिए नौकरी में हम युक्त हो जाएंगे, बाहर जन्म मृत्यु दुख कष्ट हमारी समाप्त हो जाएगी। वृंदकारी गौर प्रेमानंदे हरि अनमोल, नितारी गौर प्रेमानंदे हरि